और बेकार तो बाकी लोगों को पता नहीं होगा मैंने कैसा आउटरीच किया है। मैंने सिंपली एक हैशटैग सर्च किया था फूड ब्लॉगर इंडिया ऐसा कुछ, और आपका मेरे को हैंडल दिखा, मेरे को फोटो अच्छी लगी, मैंने वहां पर गई, मैंने डीएम करा सिंपली, और आपने रिप्लाई कर दिया, काम खत्म। सिंपली आप अब हम देखो एक इंटरव्यू कर रहे हैं, यार तो इतना मुश्किल नहीं है कि लोगों का आउटरीच करना। तो आपके 16 के फॉलोअर्स थे, लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले किया था, इनके 170 के फॉलोअर्स थे, इनके 250 के फॉलोअर्स थे, वो भी आउटरीच का रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे पे टाइम नहीं है, ऐसा कुछ रीजन आ सकते हैं, लेकिन रिप्लाई करता है, बहुत बहुत लोग रिप्लाई करते हैं। अब यूएसए मैंने या हाँ, लोग रिप्लाई नहीं करते, बट मतलब वो अपनी ओसीडी के ऊपर है। लोग थोड़ा हफ्ते लेते हैं रिप्लाई करने में। मुझे ओसीडी है, मैं दिन मतलब मैं रात को बैठ के सबको रिप्लाई करती हूँ। ये मेरा लाइक रूटीन है कि आई रिप्लाई टू एवरीवन, ऐसा है। अब मैं अगर एक्सट्रीम पे जाऊं इसके, कि बहुत लोग इसको वो करते हैं कि सेलिब्रिटीज हैं तो वो तो रिप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन मैंने एक 500K जिसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स थे, मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए आउटरीच किया था। और डॉक्टर थी एक, तो मैं भी डॉक्टर पॉडकास्ट भी कर रहा था एक एक कुछ हफ्ते पहले, तो उनको भी मैंने आउटरीच किया था, वो भी मान गई थी, हमने फिर स्टार्ट भी कर दी थी, लेकिन वो पॉडकास्ट ढंग से हुई नहीं, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया, उसको रिशेड्यूल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूछोगे नहीं तो एडवाइस मिलेगी भी नहीं, पूछना पड़ेगा एडवाइस चाहिए तो। और लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं हाँ आपको ग्रो करने में, हेल्प करते हैं हर कोई। एग्जैक्टली।